हम रमण रीति से चिंतारण महादेव जी की तरफ निकल चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं, आप देख रहे हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले कि चिंतारण महादेव की जो मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण को गोकुल में लाया गया था, उसके बाद माँ यशोदा की चिंता का हरण चिंतारण महादेव जी ने किया था। देखिए अभी हम पहुँच चुके हैं, चिंतारण महादेव के गेट पर हैं इस समय। मैं आपको अब अंदर ले जाता हूँ। देखिए ये यहाँ से एंट्री गेट है और यहाँ पर सोमवार को, मंडे को काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है, मंदिर के अंदर आप बाइक भी खड़ी कर सकते हो। देखिए अब अंदर हम अंदर की तरफ हम चलते हैं। अब ये है चिंतारण महादेव जी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ने का लाभ मिलता है। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से आकर के माँ यमुना का जल चिंतारण महादेव जी पर चढ़ाते हैं। और देखिए सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ होती है। पीछे चिंतारण महादेव के जस्ट बिल्डिंग के पीछे शनिदेव जी, हनुमान जी का भी मंदिर है। अभी हम पहुँच चुके हैं गोकुल के एंट्रेंस गेट पर, यहीं से एग्जिट होते हैं। अभी हम आपको ये बताते हैं कि हमने रमण रीति, गोकुल, चिंतारण घूमा। अभी लौटते में हमारे एक भाई मिले हैं चेतन जी, इनसे हम जानते हैं थोड़ा सा गोकुल के बारे में, ये हमें गोकुल के बारे में बताएंगे। अब देखिए इनसे हम बात करते हैं अभी। हाँ जी चेतन जी, आपको चेतन यमुना जी के स्वरूप से ही वसुदेव की यमुना को पार करके आप लोग दर्शन के लिए आए, गोकुल में भगवान को देख रहे हैं। वर्ण से भक्त लोग आता है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, आनंद के लिए। सब जगह संसार में कृष्ण है, पर हमारे यहाँ गोकुल में कहते हैं बाल कृष्ण है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। वो लड्डू गोपाल के आनंद के लिए आते हैं। कभी आप उत्सवों पर आओ हमारे यहाँ तो आनंद बरसता है। नंद घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की और जय कन्हैया लाल की, राधे राधे। जब भी आप लोग आप यहाँ आए, भाई से मिले, भाई आपको पूरा गोकुल का व्यू दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या बाल लीलाएँ हुई थी, भगवान कृष्ण ने क्या क्या आप लीला रचाई रचाई थी यहाँ पर। आप जब भी आप आए, भाई से मिले, भाई यहीं मिलेंगे आपको, इसका धन्यवाद देंगे। आप मथुरा कैसे आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप बस से आना चाहते हो तो आप मथुरा तक बस से भी आ सकते हो, लेकिन मथुरा से आपको गोकुल के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट में आप ऑटो रिक्शा या पर्सनल कैब भी कर सकते हो। अगर आप पर्सनल कैब नहीं करना चाहते हो तो ऑटो रिक्शा शेयर भी कर सकते हो। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, कृपया करें इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार मुझे मोटिवेट करेगा और मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।